और जो हमने खाना पकाना है, गोश्त वगैरह, टमाटर प्याज, वो कुछ बंदे काट रहे हैं। बस घूमने वाली जगह है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इधर ही आएंगे, इधर ही प्रोग्राम बनाएंगे। फैसल भाई हैं, ठीक है, फोटोग्राफर है और बहुत अच्छा डांस करते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो व्लॉग है ना, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में हमारे साथ नए लोग होंगे और आज एक बार फिर हम लोग जा रहे हैं कुनटी बाग, तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज टोटल स्टूडियो के बंदे हमारे साथ होंगे और उसामा भाई के पास आ चुके हैं हम लोग सामान लेने के लिए। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो उसामा भाई से हम लोगों ने कुछ सामान लिया था टेंट का, क्योंकि इनका अपना बिजनेस भी है, जो हमने पकाना है, जिस चीज में खाने पीने के बर्तन वगैरह सारे इनसे लिए हैं। और अभी यहाँ सामान गाड़ी में लोड हो चुका है और अभी हम रुक जाते हैं, बाकी बंदों को इकट्ठा करेंगे और फिर जाएंगे लोकेशन पे अपनी। आपने हमारे साथ रहना। अभी टूर में निकलने से पहले यहाँ पे दुआ का सिलसिला जारी है ताकि हम लोग ये अपना जो टूर है वो कामयाबी के साथ कर सकें और खैर और खैरियत से वापस आ सकें। तो जैसे ही सफ़र स्टार्ट हुआ, सबको प्यास लग गई, तो हमने कहा क्यों ना रास्ते में किसी अच्छी होटल से पानी भरा जाए। तो पानी भरने के बाद हम लोगों ने फिर अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो अभी आप ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितने प्यारे पहाड़ और ग्रीनरी, हरियाली है। सफ़र भी अच्छा खूबसूरत जा रहा है और रास्ता भी पुरसकून है, कोई यहाँ पे शोर शराबा कोई कुछ नहीं है। 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से अब कुनहट्टी गार्डन। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुनहट्टी बाग, ये इसका एंट्रेंस है और ये वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, और ये लकड़ का लिखा हुआ है कुनहट्टी गार्डन। ये दोनों साइडों पे आप जैसे एंटर होंगे बाग है फलदार दरख्तों का और ये इसका मैप बना हुआ है, इसके ऊपर इसका पूरा रकबा लिखा हुआ है। अब चलते हैं, गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें साथ लेके आए हैं यहाँ पे। गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं कुनहट्टी बाग में, ठीक है, जो हमारी लोकेशन है ना वो कुनहट्टी बाग है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पे और ये हमारे कामरान भाई। कामरान भाई, फाइनली हमें वही लोकेशन मिल गई है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह वही लोकेशन मिल गई है और ये सबसे ज्यादा जो है आप कहते हैं कि उसे इंटरेस्टिंग लोकेशन है, के साथ पानी भी है, साथ ही पकाएंगे, साथ ही खाएंगे। ये देखें जी नाज़रीन, ये वो लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पहले 2 बार आ चुके हैं और हमारी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मजे का पानी है, ठंडा पानी है, चलता पानी है, ठीक है। और ये यहाँ पे 1.5 साल पहले हम लोगों ने क्या कहते हैं वो पकाने की कोशिश की थी, इस चीज़ें हम लोग लेके आए थे यहाँ पे, वहाँ दूर से किसी ने उठा के, और अभी भी ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे पड़ी हुई है, जो आते हैं पकाते हैं और खाते हैं निकल जाते हैं। ये हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्किंग पे लग रही है और ये सारे हमारे स्टूडियो के मेम्बर आते जाएँ और हाथ हिलाते जाएँ। यहाँ पे गाड़ी से सामान अनलोडिंग का सिलसिला जारी है। सबसे पहले साउंड उतारा, उसके बाद हम लोगों ने फिर देचके निकाले, पानी की टंकी निकाली, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने पीने के सारे बर्तन निकाल के हम लोगों ने एक तरतीब से जोड़े और उसके बाद हमने आपस में ड्यूटियाँ बांट ली कि हम लोगों ने क्या क्या करना है यहाँ पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखें जी हमारे प्यारे भाई आमिर और साथ नौशिरवान हैं और साथ ताहा राजपूत हैं और इत्तेशाम रऊफ, और ये हाजी सलमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। और ये ही असल लम्हात होते हैं मिलजुल कर काम करने के, सेल्फ कुकिंग के और इन्जॉयमेंट के। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि जो लोग इस एरिया में नहीं आए। ये हमारा एरिया बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों को लोकेशन मिल चुकी है, ठीक है, हम लोगों ने बर्तन जिसमें हमने खाना पकाना है और धो लिए हैं, और जो हमने खाना पकाना है गोश्त वगैरह टमाटर प्याज वो कुछ बंदे काट रहे हैं। ये आमिर भाई जो हैं यहाँ पे आग लगा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने खाना पकाना है। हैदर भाई, क्या हाल है? खैर खैरियत है? आमिर भाई हाथ हिला दे इधर। आमिर भाई फर्स्ट टाइम है इधर आप? जी फर्स्ट है। महान कर रहे, चौथी बार है। कमरान भाई हम तीसरी
हाँ चौथी बार है, लेकिन हमारा स्टूडियो के साथ पहली बार है। स्टूडियो के साथ ये जो गैदरिंग है ना, ये फर्स्ट टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग है। ये हाजी साहब यहाँ पे टमाटर काट रहे हैं। हाजी साहब कैसे हैं आप? ओ टमाटर नहीं सॉरी प्याज काट रहे हैं। भाई साहब आपको भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? चानी भाई थैंक्स फॉर कमरान भाई, आज मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ताउन किया, आप हमारे साथ आए हैं। और यहाँ आज एक और ऐद करके निकलेंगे कि इंशाल्लाह अगला टूर नारायण कहलान की तरफ होगा, उससे कम नहीं होगा। जी जी इंशाल्लाह, बाकी बंदे जितने भी हैं वो वहाँ पे चीजें साफ कर रहे हैं, फैमिलियां जाने शुरू हो गई हैं और ये भाई हैं जिनके साथ हम लोग आए गाड़ी पे। भाई कैसे हैं आप? फैजल भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। तो शाम भाई बहुत अच्छा जगह है। ताहा भाई और नौशरवान भाई जो वहाँ पे गोश्त साफ कर रहे हैं। हेलो क्या हाल है भाई? सेहत भी ठीक है आपकी? कितना साफ हो गया गोश्त? बस एक आधा किलो रह गया होगा। आप लोग भी पहली बार आए यहाँ पे? जी जी बस आज मजा आएगा इंशाल्लाह। मेरी और कमरान में की ड्यूटी है वो है खाना पकाने की, तो जैसी चीजें रेडी होती हैं उसके बाद हम लोग अपना अपनी ड्यूटी जो है वो शुरू कर देंगे खाना पकाने की, और बाकी अब इंजॉय करेंगे, अभी हम लोग इंजॉय करें। तो चले चलते हैं लोकेशन। साहब की मदद करने के लिए हैदर साहब आ गए। हैदर साहब मदद क्या कर रहे हैं भाई? हैदर साहब तो साथ कटा हुआ खा रहे हैं। हैदर साहब तो जो साथ कटा हुआ खा रहे हैं। सर मैं इनका हो जाता है बीपी लो। अच्छा इनका बीपी लो हो जाता है? हाँ इस वजह से कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, ये फिर तबीयत खराब हो गई तो यहाँ पे तो आपको पता है। और हैदर भाई नाश्ता भी कोई नहीं किया, जैसे ही नहा के बाहर निकला हम उनको अगवा करके गाड़ी में डाल के ले आए। हम लोगों ने आमिर भाई से रिक्वेस्ट की कि आप देशके के नीचे जो है ना वो आग जलाएं ताकि खाने पकाने का सिलसिला जारी करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, उसके बीच में फिर हम लोगों ने गोश्त जो है वो डाल के उसको काफ़ी देर हमने फ्राई किया ताकि गोश्त जो है बिल्कुल वाइट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्याज जो है वो छोटे छोटे काट के रखे थे वो ऐड किए हैं इसके अंदर, और कमरान भाई जो है ना वो साथ सपोर्ट कर रहे थे, रेसिपी हम चेक कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड किए और कमरान भाई साथ साथ बता रहे थे कि किस किस तरह किस हिसाब से क्या चीज़ डालनी है। हमने मसाला जार डाले उसके अंदर ताकि हम लोग जो है ना, ये था हमारा फर्स्ट टाइम, बाकी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और हम लोग जो है यहाँ पे खाना पका रहे थे। तो अब सबसे पहले जो है ना उसको हम लोगों ने पकाने के लिए रख दिया ऊपर, फिर नमक और बाकी जो मसाला जात थे वो ऐड किए। तो हमें फ़ील हो चुका था कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको दम पे रख दिया तो आके इसको पकाएं, इसका पानी खुश्क हो जाए। साथ में म्यूज़िक चल रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा सा डांस वगैरह भी शुरू कर दिया। फैसल जो है ना ये पानी में से अभी नहा के निकले हैं, बहुत अच्छा पानी है भाई, ठंडा ठंडा यख पानी। नहीं हमारी जो चॉइस थी वो जगह ठीक थी, लोकेशन बहुत अच्छी, कामी भाई और शाम भाई ने बहुत अच्छी ये चॉइस बताइए, जगह बहुत अच्छी जगह है। ओ फिर आके बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमने वाली जगह है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इधर ही आएंगे, इधर ही प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है शुक्रिया। सीन ये हुआ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है थोड़ा सा एंजॉय किया, साथ लोगों ने चीजें कट करके दी और मैंने और कमरान मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। खाना बन चुका है आप सारा काम करके, आमिर भाई ने हमारा फुल सपोर्ट दिया है आग जलाने में। ठीक है तो चले कमरान भैया बताएं आप, ये नाजरीन को दिखाएं जो फाइनल हमने किया है, अल्लाह ताला करे कि बरकत हो इसमें। चले जी और ये ढक्कन खुला है और ये कढ़ाई है जी, चिकन कढ़ाई, अभी बाकी प्लेटों में आएगी
तो फिर समझ आएगी बाकी, तो और टेस्ट करेंगे फिर सारे लोग बताएंगे कैसा बना है। मेरा और कामरान भाई का फर्स्ट टाइम था और यहाँ पे सलाद बनाने की तैयारी जारी है और कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। फैसल भाई भी अभी शूट कर रहे हैं। हमने वहाँ ठंडी करने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना वो रखी हुई है यहाँ पे नीचे, ये देखिए पानी के ना ठंडी करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई है। उस्मान का फोटो शूट चल रहा है, फैसल फोटो शूट कर रहा है और हाजी साहब कह रहे हैं जी के लूडो खेले ताकि खाने से पहले ही एक गेम इनकी हो जाए। ओ छे दो भाई जी आए ना मछलियां छछलियां दे ना गेम लेना लूडो दा। 30 मिनट्स लेटर कामरान भाई ने और मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम कढ़ाई पकाई है। अब देखते हैं कि ये लोग मुझे बहुत क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट है कि लोग खा के ना जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ ये बोलें जी अच्छा पका है ताकि अगली बार भी हम लोग पका के दे सके। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं, सब बंदे जो है इंतजार कर रहे हैं। देखें ऊपर ये देखें जी, ये परिंदे भी इंतजार कर रहे हैं भाई कब इनको भी खाना मिले, ये बोटियों पर झपकना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वो आए हम लोग खा लेते जाए। और मज़े की बात यह है कि खाने के बाद लुड्डी प्रोग्राम भी होगा, ये स्पीकर आया हुआ है लुड्डी के लिए भाई तैयार हैं, हाजी साहब ने भी रिहर्सल कर रखी है, ये सारे तैयार हैं भाई इधर ही देखो, कुछ लोग वो पीछे भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये बैठे हैं जी। और ये आप ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं यहाँ की लोकेशन का जहाँ हम लोग आए हुए थे। खाना खाने के बाद बाकी ड्यूटी जाना बर्तन धोने की वो इन लोगों की थी, तो इनको बोला जी जल्दी जल्दी बर्तन धोएं ताकि फिर नेक्स्ट काम किया जाए। खाना आप सब लोगों ने खा लिया है और अब लुड्डी का टाइम आया है और सब रेडी हो रहे हैं जी लुड्डी के लिए। आए इनसे पूछते हैं, ये बताएं कि लुड्डी कहाँ मारनी है? ये पानी के अंदर। नहीं यार पानी के अंदर नहीं। हाँ फैसल भाई यहाँ पे ये जगह, ये हमारे फैसल भाई हैं ठीक है, फोटोग्राफर हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं, जितना अच्छा डांस करते हैं उससे अच्छी फोटो बनाते हैं। A few moments later. ये देखें नाज़रीन कितना जबरदस्त किस्म का ये बाग है और यहाँ हर किस्म के जो है ना वो फल लगे हैं। ये अब इनकी हालत देखें आप, ये हमारा हीरो भाई और ये बाकी टीम का लीडर सबसे एंड पे आ रहा है तहजीब प्रोडक्शन। तो अभी आखिरी जो है ना हम लोग जा रहे हैं छोटी अबशार पे, बड़ी अबशार तो बंद की हुई है इंतजामिया ने, उसके बाद लुड्डी का सेशन चलेगा और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे होटल पे जाके चाय पियेंगे फिर सारे अपने घरों घर जाएंगे जी। कामरान भाई जी बिल्कुल ठीक है, वो अबशार बंद हो चुकी है काफी अरसे से, अभी तक उसके इंतजाम जारी है तो उसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये बता रहे हैं कि उसके नीचे इतना बड़ा गड़ा है कि बंदा जब जाता है ना तो वो फंस जाता है, ऊपर निकल ही नहीं सकता, इस वजह से इंतजामिया ने उसे बंद किए हुए। पानी इतना ठंडा यख है कि अगर बड़ी अबशार पे आप नहीं जा सकते तो ये छोटी अबशार भी आप एंजॉय कर सकते हैं। असल मकसद है मिलजुल के बैठना और एंजॉय करना। ये देखे कितना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे फोटो सेशन चल रही है भाई, ये देखे ऊपर। तो अभी चलते हैं जाते हैं आखिरी सेशन लुड्डी का और उसके बाद यहाँ से हमने मूव करना है घर के लिए।
सारी चीज़ों के अंदर तो हम लोग आपको एक चीज़ बताना भूल ही गए कि हम लोग लेके आए हुए थे साथ में तरबूज, और तरबूज काट के उस्मान और सलमान भाई जना वो लेके आए हैं पानी के अंदर। अब पानी के अंदर डांस भी होगा, पानी के लुड्डी मारी जाएगी, ठीक है, और साथ में तरबूज भी हम लोग खाएँगे। तो अभी इनमें तकसीम करते हैं सारे ये, और उसके बाद डांस स्टार्ट करते हैं पानी के अंदर। तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इन्जॉय करें। आप लोग भी आएँ इस जगह पे, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आके इन्जॉय करें। अभी लुडी का टाइम है, ठीक है, और लुडी मारने से पहले हम लोग अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं। और ये देखिए जी, गाड़ी में सारा सामान जिस तरह लेके आए थे इसी तरह से लोड कर रहे हैं। आ जाओ फैसल, आ जाओ, सुनाओ कैसा लगा? बहुत अच्छा टूर रहा है आज, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत जल्दी। तो अभी लुडी मारेंगे फैसल भाई और हम सारे जितने भी बंदे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मूव करेंगे किसी होटल के ऊपर, उसके बाद मूव करेंगे किसी होटल, फिर जाके पियेंगे चाय, और उसके बाद हम सब जाएंगे घर। आओ हमारे, ये जी ताहा भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ताहा जी, ताहा भाई, ओके ओके, बोला बात ओके हो गया, कहना कोई नहीं था बात। लुडी मारने के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, और अभी जितने भी मेरे पीछे दोस्त आप देख रहे हैं सबसे कमेंट्स लेंगे क्या इनको कैसा लगा यहाँ पे आके। तो स्टार्ट करते हैं जी आमिर भाई। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे और इंशाल्लाह अपनी इसी टीम के साथ आएंगे, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा जी। नौशरवान, बहुत अच्छा लगा, कमरान भाई के साथ सारी टीम के साथ हम आए हैं यहाँ पे, हमें बहुत खुशी हुई है सबको, बहुत अच्छा लगा, हम सब टीम के साथ आए हैं यहाँ पर और हमने इंजॉय किया। हम सबको यही देंगे कि भाई आप सब लोग आए और इंजॉय करें। मैं तो बहुत परेशान था कि खाना पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की मेरी काविश है वो बहुत अच्छी रही, बाकी आपको मजीद साहब बताएंगे। और बहुत जबरदस्त रहा टूर, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा टूर रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आइंदा भी ऐसे बहुत जबरदस्त रहा टूर, सबने एंजॉय किया, बहुत मजा आया, ये टूर बहुत अच्छा रहा है, बहुत एंजॉय किया है, कमरान भाई ने खाना बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। बिजी लाइफ में बहुत टाइम निकालना पड़ता है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आमी का जो उन्होंने माशाल्लाह इतनी इवेंट्स किए हैं और हम सबको इकट्ठा किया और यहाँ पे हमने नाच गाना सारा कुछ किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी, ये सारे आए और इवेंट अच्छा किया सब ने, कमरान भाई ने अच्छा खाना बनाया और मेरी पॉकेट भी फट गई। और उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सके के देखें और पछताएं, यही होते हैं टूर और जिंदगी के निकालने पड़ते हैं इस तरह के टाइम लम्हात। बेशक जी, बेशक ऐसे ही तरह, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। 2 hours later तो अभी आ चुके हैं जी नूरमान होटल झाटला,
और अभी यहाँ पे आके थोड़ा आराम करें 5-7 मिनट, और चाय हमारे सामने आ चुकी है, चाय पियेंगे उसके बाद यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर सारे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।